हेलो एवरीवन, मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये पार्ट थ्री है हमारे जर्नल एंट्री सीरीज का। पार्ट वन में हमने देखा था कि बेसिक जर्नल एंट्रीज पास करने के डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। पार्ट टू में हमने देखा था एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जहाँ पे हमने बहुत सारे सिनेरियोस कवर किए थे फॉर बेसिक जर्नल एंट्री। आज पार्ट थ्री में हम डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे और सारे सिनेरियोस कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले Let's begin. आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, देखिए, what is a discount? Discount is the concession on payment given by the seller to the purchaser. अभी हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में भी हम यही करते हैं, right? हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो हम दुकानदार से, शॉपकीपर से जरूर डिस्काउंट मांगते हैं। उन्हें बोलते हैं ना कि थोड़ा मोल भाव कर दीजिए, थोड़ा भाव कम कर दीजिए। तो जो हम वो भाव उनसे कम करवाते हैं उसे हम अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कौन देता है? एक सेलर देता है, शॉपकीपर देता है, किसे? हमें देता है, वी आर द परचेजर इन दिस एग्जांपल, इजंट इट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। कौन से दो डिस्काउंट्स होते हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। इस टू टाइप ऑफ डिस्काउंट्स को हम और डिटेल में समझेंगे एक एग्जांपल से। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने दिया हुआ है, देयर इज अ परचेजर, का नाम है मिस्टर शर्मा और वो एक सेलर है जिसका नाम है मिस्टर कुमार। तो जो शर्मा जी है वो सेलर के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि भाई मुझे एक टेलीविजन सेट चाहिए। ये टेलीविजन सेट का होलसेलर है मिस्टर कुमार। तो उनको पूछते हैं शर्मा जी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन टेलीविजन सेट? तो मिस्टर कुमार ने क्या बोलते हैं, मिस्टर कुमार सेज, इफ यू बाय वन टेलीविजन आई विल गिव इट टू यू फॉर 30,000, ओके, बट इफ यू बाय 10 टीवीज I will give you a discount of 10%. तो मिस्टर कुमार ने क्या कहा कि अगर आप एक चीज लेंगे तो जो लिस्ट प्राइस है ये पे मैं दूंगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा चीजें खरीदी है, 10 चीजें खरीदी है, मतलब आपने क्या किया है, बल्क परचेज किया है, तो मैं आपको एक डिस्काउंट दूंगा। कितने का? 10%। तो शर्मा जी इज वेरी हैप्पी बिकॉज उन्हें डिस्काउंट मिला है जो भी लिस्ट प्राइस है उसका। तो 30,000 का अगर 10 टीवीज का प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्चुअली मिलता है 3 लाख, लेकिन अभी ये जो डिस्काउंट मिला है वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 30 लाख का डिस्काउंट 10% मतलब 30,000 रुपीज, राइट? तो नेट कितना हुआ? तो 3 लाख में मिलने वाले थे डिस्काउंट के वजह से, अभी कितने में मिले उतने टीवीज मिस्टर शर्मा को? 2,70,000 में, गेटिंग इट? तो बच्चों, यहाँ पे जो 30,000 का डिस्काउंट मिला है द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ सेल फॉर मिस्टर कुमार, ये जो डिस्काउंट है दिस इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मतलब क्या? जब खरीदी हुआ या जब बेचा तब जो डिस्काउंट हुआ है एट द पॉइंट ऑफ सेल या एट द पॉइंट ऑफ परचेज उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखनी है कि ये जो 30,000 है वो किसी के भी बुक्स में नहीं दिखने वाले, ना तो मिस्टर शर्मा के और ना ही मिस्टर कुमार के। Nobody is going to show 30,000 rupees in their books of accounts. उनके बुक्स में, मिस्टर शर्मा के बुक्स में परचेज विल बी रिकॉर्डेड एट द नेट अमाउंट। नेट मतलब क्या? 2,70,000। एंड मिस्टर कुमार के बुक्स में सेल्स विल बी रिकॉर्डेड 2,70,000 रुपीज। ये जो 30,000 है उन्हें हम बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, गेटिंग इट? दिस इज आवर ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, अभी क्या हुआ है यहाँ पे, देयर इज अ क्रेडिट परचेज, पैसा दिया नहीं गया है, शर्मा जी ने क्रेडिट पे, उधारी पे ये 10 टेलीविजन सेट मिस्टर कुमार से लिए और उन्हें बोला कि भाई एक महीने बाद आई एम गोइंग टू रीपे दैट मनी टू। तो देखिए अभी एक महीने बाद क्या होता है, आफ्टर वन मंथ मिस्टर कुमार शर्मा जी को कॉल किए जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बाबा मेरे पैसे आप लौटा दो, लेकिन शर्मा जी कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं, शायद उनके पास अभी पैसा नहीं है बिजनेस में, तो वो उनसे और मोहलत मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो मुझे और 5 दिन दे दो और 10 दिन दे दो। तो अभी मिस्टर कुमार को पैसों की जरूरत है, उन्हें वो पैसे कैसी किसी भी हालत में मिस्टर शर्मा से निकालवाने हैं। तो अभी वो एक ट्रिक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिस्टर शर्मा को कॉल करते हैं और क्या बोलते हैं, इफ यू मेक द पेमेंट नाउ आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब क्या हुआ, अगर आपने अभी पेमेंट कर दिया, मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मैं आपको 10% डिस्काउंट का। तो अभी मिस्टर शर्मा क्या हो गए, मिस्टर शर्मा तो बहुत खुश हो गए ना कि
उन्हें वो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा मतलब क्या होगा, उतना पैसा उन्हें कम देना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि कितना पैसा कम देना पड़ता है। 2,70,000 पे हमने इनिशियल सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया था। अभी 2,70,000 ये जो नेट अमाउंट होती है उस पे हम अभी 10% कैलकुलेट करेंगे। 10% 2,70,000 का कितना होता है 27,000। और अभी जब हम 2,70,000 में से 27 डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 2,43,000। मतलब शर्मा इज गोइंग टू गिव कैश ऑफ रुपीज 2,43,000 ओनली टू कुमार। का क्या मतलब हुआ, शर्मा जी को बेनिफिट हो गया, राइट। जहां पे वो 270 देने वाले थे वहां पे अभी उन्हें कम पैसे देने पड़े, का मतलब उनका मुनाफा हो गया। तो 27,000 रुपीज जो डिस्काउंट है वो गेन हो गया शर्मा के लिए, राइट। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स, गेन हो गया 27,000। इसीलिए 27,000 का जो डिस्काउंट रिसीव्ड है फॉर द परचेजर, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, दैट बिकम्स आवर गेन, उसे हम करेंगे क्रेडिट। इसका ऑपोजिट हो गया है मिस्टर कुमार के लिए, उन्हें मिलने वाले थे 270 लेकिन उन्हें डिस्काउंट देना पड़ा, मतलब उनका नुकसान हो गया 27,000 का। पर नुकसान हुआ है, हम क्या करेंगे उसे, हम उसे करेंगे डेबिट। सो डिस्काउंट अलाउड इन द बुक्स ऑफ द सेलर ये होता है हमेशा डेबिट। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं और समझते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के। अभी शुरुआत में हमने जर्नल एंट्री क्या पास की थी, मिस्टर शर्मा के बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,70,000, टू कुमार 2,70,000, मतलब कुमार वॉज द क्रेडिटर फॉर 2,70,000। अभी क्या हुआ है, अभी ये ट्रांजैक्शन के वजह से, पेमेंट के वजह से मिस्टर कुमार का जो अकाउंट है वो सेटल हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ शर्मा। तो हम क्या करेंगे, कुमार्स अकाउंट डेबिट कितने से, टोटल जो नेट वैल्यू थी ना परचेजेस की 2,70,000, isn't it? 2,70,000 को डेबिट हो गया पहले, 2,70,000 का क्रेडिट हो गया, तो क्या हो गया, अकाउंट निल हो गया, अकाउंट टैली हो गया, हम बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स में। अच्छा अभी पैसा कितना गया है बाहर, पैसा तो सिर्फ 2,43,000 रुपीज गया है, हमने कैलकुलेट किया कि 243 कैसे आए हैं। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ द परचेजर इज अ गेन, तो मैं इसे क्रेडिट करूंगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें ये याद रखना है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है, अगर डिस्काउंट मिला है तो इसका होगा क्रेडिट बैलेंस, ऑपरेशन होगा बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेमेंट मेड। अच्छा अभी देखते हैं इन द बुक्स ऑफ द सेलर क्या होता है, सेलर को क्या हुआ, उतना पैसा मिला है, इसलिए तो कैश बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट 2,43,000, राइट। लेकिन ये जो डिस्काउंट है, ये जो कैश डिस्काउंट है, दैट इज अ नुकसान, दैट इज अ लॉस फॉर द सेलर। वो क्या करेगा, ये डेबिट करेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितने का, 27,000 का। हाँ, किससे मिला है, मिस्टर शर्मा से, टू शर्मास अकाउंट 2,70,000 being cash received and discount allowed. Getting it? In the books of the seller, जो discount दिया है वो loss हो गया, तो debit हो जाएगा. In the books of the purchaser, discount मिला है वो हमारा gain हो गया, तो वो credit हो जाएगा. ये concept आपको समझ में आ गया है ठीक से, एकदम अच्छे से? मैं आपको एक trick बताऊं. Ready for the trick? ये trick क्या है कि अगर किसी साइड पे कैश जा रहा है डिस्काउंट के लिए, तो हम उसी साइड पे डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करेंगे। समझ लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैश को मैंने क्रेडिट किया है, राइट, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही करूंगी। इन द बुक्स ऑफ द सेलर कैश को डेबिट किया है तो मैं डिस्काउंट को भी डेबिट करूंगी, विल ऑलवेज बी हैंड इन हैंड, डिस्काउंट एंड कैश विल ऑलवेज गो टुगेदर, दिस इज अ ट्रिक, ओके, अंडरस्टूड। आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, इसलिए मैंने आपको जर्नल एंट्रीज फटाफट से पास करते आने चाहिए, इसलिए एक ट्रिक बताया है, जहां पे कैश आएगा, गेटिंग इट क्लियर। चलो हम लोग अभी देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट
इज अलाउड ऑन बल्क परचेज ऑफ गुड्स। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जब हम खरीदते हैं, जैसे हमने देखा 10 टीवी सेट खरीदे इसलिए उनको डिस्काउंट मिला है बायर को, तो इट इज अलाउड ऑन बल्क परचेजेस ऑफ गुड्स। और कैश डिस्काउंट कब दिया था? प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, अभी आप मुझे पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ऐसा जब डिस्काउंट होता है तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत 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 जरूरी है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बल्क परचेजेस के लिए कोई डिस्काउंट दिया है तो वो हम बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन कैश मिलने के लिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उतना जो अमाउंट होगा वो हम हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड और परचेज इज रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। हमने अभी के एग्जाम्पल में देखा था ट्रेड डिस्काउंट जब मिला तो हमने वो माइनस किया था एंड देन जो 243 बचा था उतने में हमने परचेज या सेल रिकॉर्ड किया। राइट, और कैश डिस्काउंट के वक्त हमने क्या किया? कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द प्राइस कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे जब ट्रेड डिस्काउंट 3 लाख में से 30,000 रुपीज माइनस हुआ है, देखिए ये 3 लाख था इनिशियल अमाउंट लिस्ट प्राइस, उसमें से 30,000 माइनस हुआ, तब ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ के बाद जो वैल्यू बचा 2,70,000। राइट, उसी अमाउंट पे मैंने 10% कैलकुलेट किया कैश डिस्काउंट। मैंने 3 लाख पे कैलकुलेट किया क्या कैश डिस्काउंट? नहीं, 3 लाख पे मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे कौन से अमाउंट पे करना है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पे मैं कैश डिस्काउंट माइनस करूंगी, यही बोला यहाँ पे। कैश डिस्काउंट इज गिवन ऑन द प्राइस कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। अभी हम क्या करेंगे? सिंपल एंट्री से थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे। सिंपल एंट्री, अभी परचेजेस और सेल्स दोनों के लिए अगर ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लेट अस सी। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 at 10% TD is the short form of trade discount. तो चलो पहले हम numerical देख लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। 50,000 के purchases थे, 10% क्या है 50,000 का? 5,000. So what is the net amount? Net amount क्या है? 45,000. हमने example में देखा था जो net amount होती है इस amount के ऊपर हम purchase या sale record करते हैं and 5,000 is what? It is given at the time of purchase, right? At the time of purchase है तो इसे मैं books में record नहीं करूंगी। So what is going to be my entry यहाँ पे? Purchases account debit, how much? Net amount 45,000। आपको journal का format बनाना है proper और फिर आपको ये entries, okay? Purchases account debit किससे लिया है? To Rahul, ना? 45,000। Narration आएगा being purchases made on credit. Getting it? हमें जो trade discount है उसका कहीं पे भी books of accounts में बताना ही नहीं है। Alright? चलो अगर next day sold goods, अभी sales करने पे अगर कुछ trade discount होता है तो हम कैसे entry pass करते हैं? Let us see. Sold goods to Rohit of the list price 20,000 at 1% TD. अभी calculation कर लेते हैं। देखो 20,000 का list price था, उस पे 1% मतलब कितना हो जाएगा? हो जाएगा 200 रुपीज। राइट, तो 200 रुपीज अगर मैं 20,000 में से माइनस करूं तो कितना बच जाता है? 19,800, 1% टीडी बोला है। अच्छा, तो अभी ये जो नेट अमाउंट है ये मेरे सेल्स रिकॉर्ड होंगे, राइट, नॉट ऑन 20,000, करेक्ट। और ये जो 200 रुपीज मैंने डिस्काउंट दिया ये मैं कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय एंट्री? रोहित अकाउंट डेबिट कितने से? नेट वैल्यू से 19,800 टू सेल्स अकाउंट 19,800। नरेशन दीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गेटिंग इट? वेरी इजी। चलो अभी ट्रेड डिस्काउंट के हमने दो एस्पेक्ट्स देख लिए, अभी कैश डिस्काउंट की ओर बढ़ते हैं। अगर कैश डिस्काउंट होता है तो सेलर के बुक्स में और बायर के बुक्स में कैसे हम एंट्री पास करते हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश रुपीज 50,000 फॉर कैश एंड 10% कैश डिस्काउंट डीम्ड। ओके, चलो हम पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 50,000 के गुड्स है,
और 10% अभी कैश डिस्काउंट है। हमने देखा है कि अगर कैश डिस्काउंट होता है तो बुक्स में रिकॉर्ड जरूर होगा। तो 5000 जब मैंने ये डिडक्ट किए हैं फ्रॉम 50,000, मेरा नेट बैलेंस कितना बचा? 45,000। तो व्हाट इज दिस नेट बैलेंस का क्या मतलब हुआ? 45,000 का मतलब ये हुआ ना, कैश मैंने दिया, और 5000 का क्या मतलब हुआ? इतना मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब ना गेन है, तो मैं उसे करूंगी क्रेडिट। कैश मुझे मिला है तो मैं इसे करूंगी सॉरी कैश मैंने बुक्स में से दिया है तो मैं इसे करूंगी क्रेडिट। गेटिंग इट? तो मेरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? परचेजेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? पूरे 50,000 से परचेजेस होंगे 50,000 टू कैश। कैश कितना गया बिजनेस में से? नेट अमाउंट 45,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अकाउंट मिला है, ये मेरा गेन हो गया 5,000 का। अभी देखिए जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्रिक के हिसाब से बराबर है क्या? ट्रिक में क्या देखा था? दैट कैश एंड डिस्काउंट विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, राइट? चलो अभी नरेशन लिख लीजिए फटाफट। बीइंग गुड्स परचेज एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डॉट डॉट नहीं देना है, आपको पूरा लिखना है, ओके? चलो अभी नेक्स्ट एंट्री देख ले। सोल्ड गुड्स टू रमेश ₹20,000 एंड कैश डिस्काउंट गिवन 10%। चलो अमाउंट देख लेते हैं। 20,000 का गुड्स थे, यहाँ पे 10% मैंने कैश डिस्काउंट दिया, मतलब 2,000। नेट कितना बचा? 10,000। तब क्या मतलब हुआ? डिस्काउंट गिवन है, मैंने डिस्काउंट दिया, मतलब मेरा ये लॉस हुआ, करना पड़ेगा डेबिट। और मैंने सेल किया जिससे मुझे ये पैसे मिले हैं, 18,000 मिले, का मतलब कैश है वो, और कैश बिजनेस में आया है तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिला डिस्काउंट देने के बाद? 18,000। डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2,000 एंड टू सेल्स। सेल्स टोटल अमाउंट जो है ना ये 20,000। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। चलो ट्रिक देख लेते हैं, जहां पे कैश वहीं पे डिस्काउंट है वैसे ही, वेरी गुड। दिस इज जस्ट फॉर टैलिंग पर्पस, ओके? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, अभी हम कोई कंबाइंड एंट्रीज देखेंगे, ऐसी एंट्रीज जहां पे कैश डिस्काउंट भी है और क्रेडिट डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रॉय एट 40,000। अभी दोनों डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, हम वन बाय वन दोनों कैलकुलेट करेंगे। चलो 40,000 रुपीज है, उस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला है। व्हाट इज 10% ऑफ 40,000? 4,000, राइट? अच्छा, तो हमने देखा था दैट ये 4,000 बिकॉज इट इज ट्रेड डिस्काउंट, इसे मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। ये जो 36,000 है ये नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट पे मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? परचेजेस। तो परचेजेस को मुझे डेबिट करना है 36,000 से, करेक्ट? अभी कैश डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट है 5%। 5% कितना है 36,000 का? 1,800। ये जो डिस्काउंट है ये रिसीव्ड है, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट, बिकॉज उतना मेरा गेन हो गया। अभी नेट अमाउंट कितना है? 34,200, राइट? ये क्या है ना, कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया। जब मैंने कुछ परचेज किया तो कैश दिया, कैश को मैं से क्रेडिट। समझ में आई है बात आपके? चलो अभी हम इसकी एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट से डेबिट है, तो हमारे यहाँ पे नेट हमने किया था ना कैलकुलेट ना 36,000। अच्छा, हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट इज अ गेन, डिस्काउंट को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से है डिस्काउंट को क्रेडिट? 1,800 हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। और हमारे बिजनेस से कैश कितने से बाहर गया? 34,000
200। क्लियर है? ट्रिक देख लो बराबर है क्या? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, हमारी नरेशन आएगा बीइंग परचेजेस मेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कुमार कॉस्टिंग रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 का और कैश डिस्काउंट मिला है 5%। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, ये वाले एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है that we have paid just half of the amount। ये ट्रिकी है हाँ, ये आप गौर से देखिए अभी क्या करेंगे हम। पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 जो अमाउंट है उस पे टीडी है 10%, तब 2,000, तो नेट अमाउंट हो गई मेरी 10,000। तो मेरा जो परचेज है इतना तो हाफ पार्ट मुझे क्लियर है, दैट परचेज इज ऑलवेज नेट अमाउंट पे, तो 18,000 का मुझे परचेज रिकॉर्ड करना है, दिस इज क्लियर। ये 2,000 का मुझे कुछ भी नहीं। अच्छा अभी मैंने कैश डिस्काउंट कितना मिला, 5% मिला। हमने जो ऊपर वाला प्रॉब्लम देखा था इसमें मैंने नेट का डायरेक्टली 5% कैलकुलेट किया, बिकॉज पूरा के पूरा पैसा बिजनेस से गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने कितना अमाउंट पे किया है, ओनली हाफ। तो पहले ये हाफ अमाउंट कैलकुलेट करना है कि मैंने कैश दिया कितना, कैश कितना दिया 9,000 रुपीज। कैश दिया नहीं है बट आई कैन से दैट आई हैव पेड हाफ ऑफ द अमाउंट। पहले हाफ अमाउंट को मुझे कैलकुलेट करना है 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज पे मैं 5% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट, गेटिंग इट, नॉट ऑन 18,000, जितना पैसा देने वाली हूँ मैं 9,000 उस पे मैं कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूँ, दैट इज 450 रुपीज। 9,000 था पे मैंने 5% मतलब 450, तो मेरा बचा कितना, नेट कितना हुआ अभी 8,550। ये 8,550 अमाउंट क्या है, दिस इज द अमाउंट दैट आई हैव पेड, कैश पेमेंट है मेरा, कैश पेड 8,550, और ये 450 क्या है, दिस इज द कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड है इसका मतलब क्या करूंगी मैं उसको क्रेडिट करूंगी, कैश पेड है मतलब इतने से उसको मैं क्रेडिट करूंगी, गेटिंग। तो चलो हम इसकी एंट्री लिख लेते हैं, एंट्री क्या आएगी, हम ये एंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट परचेजेस काउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो रहा है, नेट अमाउंट से 10,000 से, एंड टू तो कुमार, कुमार को मैंने 18,000 से मेरा क्रेडिटर बना दिया, बीइंग परचेज्ड। ऑलराइट, अभी सेकंड एंट्री हम करेंगे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड की, कितना पैसा मिला, सॉरी कितना पैसा गया बिजनेस में से और किसके लिए गया, कुमार के लिए, तो अभी हम कुमार को करेंगे डेबिट, कितने से डेबिट, हाफ ऑफ द अमाउंट, दैट इज 18,000 का हाफ 9,000, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ये डिस्काउंट मुझे मिला है, अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 450 से, और कितना कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है 8,550 रुपीज। यहाँ पे मेरा नरेशन आएगा बीइंग कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, समझ में आ रही है बात, मेरा सिर्फ हाफ अमाउंट पे हुआ है यहाँ पे, इसीलिए जो मिस्टर कुमार का अकाउंट है उसे मैंने सिर्फ 9,000 से डेबिट किया है, लेकिन एक्चुअल कैश उतना नहीं गया, एक्चुअल कैश तो मेरा सिर्फ इतना गया है बिजनेस, गेटिंग इट, और ये मुझे डिस्काउंट मिला है, तो मेरा जो ट्रिक है वो क्या है, कैश जहां वहां पे डिस्काउंट, गेटिंग इट, अंडरस्टूड। हमने क्या किया है यहाँ पे, आपको बहुत गौर से देखना है कि कितना एक्चुअल पेमेंट हुआ है, तो एक्चुअल पेमेंट रहेगा बिकॉज कैश डिस्काउंट का डेफिनेशन ही यह है, व्हेन वी आर पेइंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, इसीलिए जब हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जितना पेमेंट हो रहा है उस पे कैलकुलेट करें, ओके, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, सिंपल, 60,000 है पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट 20% मतलब 12,000, कितना बचा,
48,000, राइट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये मुझे बुक्स में कहीं भी नहीं लिखना है। ये 48,000 क्या है? नेट अमाउंट है, तो मुझे सेल्स रिकॉर्ड करने, ये हमने देख लिया है। अभी कैश डिस्काउंट है 10%, 10% सीडी मतलब कितना, 4,800। दिस इज माय डिस्काउंट अलाउड, करेक्ट। और डिस्काउंट अलाउ होने के बाद ऐसा कितना मिला, 48,000 में से 4,800 माइनस कर लीजिए, राइट, 43,200 रुपीज मिले हैं और डिस्काउंट अलाउ किया है 4,800 का, और टोटल सेल्स हो गए हैं 48,000 के। तो चलिए हम एंट्री लिख लेते हैं फटाफट। एंट्री क्या आएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अकाउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। कैसे, ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 4,800। और टोटल सेल्स कितना हुआ था हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ये वाला अमाउंट 48,000। हमारी नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अच्छा ट्रिक देख लो वापस, जहां कैश वहां डिस्काउंट, गेटिंग इट। चल नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सचिन रुपीज 5,000, रिसीव्ड 4,500 इन फुल सेटलमेंट। देखिए अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे एग्जाम में, समझने के लिए आपको समझना है कि ये कौन सा डिस्काउंट है। अच्छा फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 5,000 देने थे लेकिन उसके बजाय 4,500 दे दिए। इन अदर वर्ड्स ये जो डिफरेंस है ना 5,000 माइनस 4,500, तब ये जो 500 रुपए है ये क्या है, ये डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट मतलब इसके बाद अब कोई भी लेन देन बाकी नहीं है, अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, ये हम इसे बोलते हैं अकाउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड। अगर सेल हुआ है और पैसा मिला है तो मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, राइट। अकाउंट अलाउड मतलब लॉस, इसलिए डेबिट। चलो अभी एंट्री क्या होगी, ये वर्ड आपको यहाँ पे अलग है बच्चों, फुल सेटलमेंट, ये आपको याद रखना है। अगर फुल सेटलमेंट पूछा एग्जाम में तो ये मतलब हुआ कि अभी जो भी आपका डिफरेंस होगा ना, जैसे 5,000 माइनस 4,500, दैट इज द डिस्काउंट अलाउड। ओके, ऐसे आपको सीधा सीधा नहीं बोला डिस्काउंट दे दिया, आपको ट्रिक करके घुमा के आपको पूछा है, दैट फुल सेटलमेंट हो गया। तो आपको ये समझना है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस दैट व्हाटएवर द डिफरेंस दैट इज गोइंग टू कम माय डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। चलो हम एंट्री पास कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, रिसीव्ड 4,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 500 रुपए से हमने डिफरेंस देख लिया। और ये क्या है हमारा, सेल्स है, तो टू सेल्स हाउ मच, 5,000। व्हाट इज माय नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आपको सब कुछ समझ में आ गई एंट्रीज अच्छी से बच्चों। हमने अलग अलग इसमें सिनेरियोज में देखा कि अगर परचेज में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, दोनों का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया कि अगर परचेज किया और दोनों डिस्काउंट दिया तो कैसा होगा, सेल्स किया और दोनों डिस्काउंट दिया तो हम कैसे एंट्रीज पास करें, राइट। मैं आशा करती हूँ कि आपको अभी ये वाले जर्नल एंट्रीज डिस्काउंट के बहुत ही आसान लगेंगे इसके आगे से। अब बच्चों टाइम है फॉर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, टाइम है फॉर टेस्टिंग व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज परचेज गुड्स फ्रॉम सावन 50,000, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। सावन से परचेज किए हैं 10% टीडी पे और 10% सीडी पे, दोनों भी डिस्काउंट्स है, परचेजेस में है। और हमने पेमेंट कैसे की है, 50% चेक से और 20% कैश से, ओके। और नेक्स्ट होमवर्क आपका ये है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बंसल फॉर 60,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10%, कैश डिस्काउंट अलाउड 10% एंड रिसीव्ड 1/3 अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। मैं थोड़ी देर स्क्रीन ऐसे रहने देती हूँ, आप ये स्क्रीन के जो क्वेश्चंस है उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, आप ये क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगी और जो सबसे पहले सबसे सही आंसर देगा उस आंसर को मैं
कमेंट्स में पिन करने वाले। तो जल्दी जल्दी आपको जो कॉन्सेप्ट्स अभी समझाए थे वो यूज करिए और फटाफट से कमेंट्स में मुझे सबके आंसर्स चाहिए। आशा है कि सबके आंसर यहाँ पे राइट होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट लेने वाली हूँ, तो आपको वहां पे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।